अलकुम टॉपिक इज़ अबाउट द लिवर फ्राम द अपर जी आई टी सर्जरी और उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द लिवर ट्यूमर्स ओके सो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हेपैटोसेलुलर कारसिनोमा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्लासीफिकेशन क्या है ना कैंसर्स की लिवर ट्यूमर्स की तो दैट इज़ बिनाइन एंड मेलेग्नेंट बिनाइन में क्या होंगे लाइक हेमेंजियोमा हेपैटिक एडीनोमा फोकल नोड्युलर हाइपर प्लेजिया और मेलेग्नेट में क्या होंगे प्राइमरी होंगे और सेकेंडरी होंगे प्राइमरी जो कि लिवर में खुद हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ हैपेटोसेलुलर कार्सिनोमा दि इज़ ऑल्सो नाउन एज हैपाटोमा दिस इज मिस नोम ओमा इज़ यूज फॉर द दिनाइन ट्यूमर्स बट इसका दूसरा नाम हैपाटोमा उन्होंने रखा हुआ है इसके अलावा क्या है हेपेटोब्लास्टोमा कोलेंजियो कार्सिनोमा मिक्स ट्यूमर सार्कोमाज तो ये सब क्या है इसके मेलेग्नेंट प्राइमरी टीमर्स लिवर के और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में जो है वो आ, आ, जो हैं ज़्यादा दे आर मोर कॉमन दैन द प्राइमरी ट्यूमर्स ऑब्वियसली हम जितनी भी डिजीज़ेस जितने भी कैंसर्स पढ़ते हैं बॉडी के लाइक कोलॉन कैंसर पेंक्रास कैंसर किडनी कैंसर ब्रेस्ट कैंसर लंग्स कैंसर हम अल्टीमेटली यही कहते हैं कि इनके मेट्स जो हैं वो लिवर में जा रहे हैं तो लीवर में जा रहे हैं लंग्स में जा रहे हैं तो इस वजह से ना मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर जो लीवर में ट्यूमर आते हैं ना अगर आपको लीवर में कोई ट्यूमर मास मिल जाता है ना तो आप कंसिडर करो कि कहीं कहीं और से आया होगा प्राइमरीली जो लीवर के अंदर है वो ठीक है हम कंसीडर करते हैं कि प्राइमरी में मोस्ट कॉमन हेपैटोसेलुलर है लेकिन ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन है वो सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स होते हैं जो कि कहीं और कैंसर हुआ होता है वहाँ से वो स्प्रेड करके मैट्स करके मेटस्टेसिस करके लीवर में आता है ठीक हो गया अब हम बात करेंगे हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा की सो so, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा हमने मेडिसिन में भी डिस्कस किया था इस टॉपिक को यहाँ से हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि इसको हम हेपेटोमा भी कहते हैं और इज़ अ मोस्ट कॉमन मेलेग्नेंट ट्यूमर वर्ल्ड वाइड और उसमें से जो प्राइमरी में से जो मोस्ट कॉमन है 80 परसेंट वो हमारे हेपेटोसेलुलर कार्सिनमाज ही होते हैं और फिर अगर हम बात करें कि आपको पता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ना कोई भी क्रोनिक लिवर डिजीज़ चल रही हो जिसकी वजह से हम कहते होते थे, थे कि उसका फेट क्या होता है कोई भी क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो अल्टीमेटली रिजल्ट इन लिवर सिरहसिस और लिवर सिरहसिस लीड्स टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो कोई भी लिवर डिज़ीज़ की वजह से जो है ना ये अल्टीमेटली इसका जो है वो यही होता है फिर हम बात करते हैं कि वो कहते हैं कि ज़्यादातर तो जो इसका कॉमन मतलब जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका रिस्क फैक्टर है दैट इज़ हैपाटाइटिस बी सी क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है ना ये कॉमनली स्प्रेड करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मेथड्स तो इस वजह से ना हेपेटाइटिस सी जो है वो कॉमन है और हेपेटाइटिस सी जो है ना उसको हम ट्रीट करते भी रहे ना तो उसकी रिकरेंसीज रिलेपसिस होते रहते हैं और अल्टीमेटली लिवर जो है वो सिरोसिस में चला जाता है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा फिर इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जी रिस्क फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं अगर हम बात करें इन्फेक्शन हो सकते हैं इन्वामेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ठीक हो गया अब वायरल इन्फेक्शन में हेपाटाइटस बी है और हेपाटाइटस सी जो है ये क्रॉनिक में जाते हैं एंड दे लीड टू ऑफ द द अल्टीमेटली कार्सिनोमा इन्वामेंटल फैक्टर्स में आपको पता है मोस्ट कॉमन क्या है एफलाटोक्सिन हैं इसके अलावा अल्कोहल स्मोकिंग तो हर कैंसर में रिस्क होता है ना और पेस्टिसाइड्स फिर क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या आएंगे लाइक डायबिटीज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हीमोक्रोमाटोसिस विल्सनस डिजीज एल्फाबन एंटी ट्रिप्स इन डेफिशेंसी ठीक हो गया उसके बाद इम्यून डिसऑर्डर्स इम्यून डिसऑर्डर्स में कौन से होंगे प्राइमरी बिलरी सरोन ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए रिस्क फैक्टर्स के बाद क्लिनिकल फीचर्स में क्या होंगे आ, किसी भी कैंसर का एक मैज होता है और इसके अलावा वेट लॉस तो हो गई कैंसर के पेशेंट मैनोरेग्जर वेट लॉस और इसके अलावा क्योंकि लिवर का कैंसर है तो इसमें अनिमिया होगा जॉन्डिस होगा तो मतलब इस तरह की चीज़ें तो होंगी ही और जॉन्डिस का हम पढ़ चुके हैं ना जॉन्डिस के अंदर के कैंसर की वजह से जॉन्डिस क्यों होता है मतलब uh, एक्चुअली uh, जो बिलवरी ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर मैस का जो है वो पड़ता है एक प्रेशर जिसकी वजह से बिलवरी फ्लो ऑबस्ट्रक्ट हो जाता है ना अल्टीमेटली जॉन्टस ठीक है क्योंकि लेवर का है तो फिर अल्टीमेटली जो है वो अनकॉन्जुकेटड बिलरोबिन वाला जॉन्टिस होगा ना और ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स में हमें दिया होगा उन्होंने एक बैकग्राउंड के इतने सालों से उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है लाइक उसको इतने सालों से हेपेटाइटिस सी है इतने सालों से कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्रोमेटोसिस है या इस तरह से और फिर वो आपको बताएंगे कि अब उसका वेट लॉस होता जा रहा है उसको हमने जब एग्जामिन किया तो मैथ्स हमें मिल गया राइट right है में इसके अलावा हमने उसकी आंखें वगैरह चेक की तो हमें पता चला कि जी उसका स्कलैरा uh, जो है वो येलो हुआ हुआ है उसकी स्किन येलो हुई हुई है उसको जोंडिस है फिर अनिमिया के लिए हम पैलर देख लेंगे उसके नेल्स देख लेंगे क्लबिंग वगैरह के लिए तो ये सब कुछ जो है हमें बताएगा कि देर इज़ नॉट सिंपली द लिवर डिजीज़ देर ऑल्सो देर कैन बी द कैंसर ठीक है और अल्टीमेटली ऑब्वियसली मैट्स जो है लेवर के जब लंग्स में जाएंगे तो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ भी आ सकता है ब्रेथ के सिम्टम्स मतलब कि रेस्परेटरी सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है तो ए, हिस्ट्री के बाद ना हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे हमें इन लार्ज लिवर मिलेगा मैथ कोई मिल सकता है फिर हम क्या करवाएँगे जनरल इन्वेस्टिगेशन जनरल इन्वेस्टिगेशन्स में क्या होता है सी बी सी ई एस आर सीरेक्टिव प्रोटीन्स ब्लड टेस्ट में क्या हम करवा सकते हैं सीरम एलैक्ट्रोलाइट सीरम एल्ब्यूमिन लेवल करवा सकते हैं कोगलेशन प्रोफाइल करवा सकते हैं ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम करवा सकते हैं फिर इसके अलावा एल एफ टीज आर एफ टीज करवा लेंगे हम चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे कि कहीं आ, मतलब ना आपने अभी कुछ किया भी नहीं आपको पता चल गया कि लिवर में कैंसर पड़ा हुआ है ठीक है अल्ट्रासाउंड के थ्रू और इस तरह से सारा अब आपने ना क्या करना है जैसे अल्ट्रासाउंड करना है ना लिवर का ठीक है तो ये आप सबसे पहले करवाते होते हो अल्ट्रासाउंड से आपको एक मास नज़र आ जाता है फिर आप देखते हो कि यार इसके मेट्स तो नहीं कहीं लेवर में चले लंग्स में चले गए अगर पेशेंट शॉर्टनेस और ब्रेथ के साथ आएगा तो फिर तो आप अल्टीमेटली चेस्ट एक्सरे करवा के देख लोगे चेस्ट एक्सरे करवा के देखोगे तो अगर वहाँ पर आपको मिल जाता है ठीक है क्लू मिल जाता है कि यार इसमें लंग्स के अंदर भी इसकी मैट्स चले गए हैं तो इससे आप सोचोगे कि अब तो इसकी स्टेज जो है वो ऐसी नहीं है कि जिस फ्लेवर में है तो इससे आपको स्टेजिंग का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है स्टेजिंग का नो no डाउट कि सी टी स्कैन से अंदाज़ा होगा कि इस कैंसर कितनी स्प्रेड किया हुआ है लेकिन शुरू में ही अगर आप चेस्ट एक्सरे करवा लेते हो तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इसकी स्टेज कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से ये लंग्स में आ गए ठीक है तो चेस्ट एक्सरे इज़ कंपल्सरी फॉर अल्टीमेटली मतलब कि विद द अल्ट्रासाउंड इनिशियली तो अल्ट्रासाउंड करके आपने देख लिया क्यों अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम जनरल सर्जरी में इसको देखेंगे अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे होते हैं कि यार ये सस्ता सा होता है इतने इन्वेसिव नहीं होता ऊपर ऊपर से बस प्रोब डाल के चेक कर लेना होता है ईजिली अवेलेबल होता है हाईली एक्रेट अगर हो अच्छा सा सोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है फिर ऑब्वियसली हम क्या करवाएंगे सीट आ, ये ट्यूमर मार्कर करवाएंगे ट्यूमर मार्कर जो है नॉर्मल इसके जो वैल्यूज़ होते हैं फीटो प्रोटीन के वो ट्वेंटी नैनोग्राम्स पर एम होता है लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है फोर हंड्रेड नैनोग्राम्स पर एम से ज़्यादा हो जाए तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ हेपेटासेलर कार्सिनोमा फिर जी हमारा होता है सी स्कैन सी टी स्कैन जो हम करवाते हैं दैट इज़ ट्राई फेजिक सी टी स्कैन ट्राई फेजिक सी टी स्कैन क्या होता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं लेकिन इसके अलावा ट्राई फेजिक सी टी स्कैन के बाद जो है आपको पता है किसी भी कैंसर के लिए हम क्या करते हैं उसकी बायोप्सी लेते हैं टिशू डायग्नोसिस करने के लिए सो so, ये हमारे जो हैं एम आर आई भी हम करवा लेते होते हैं सी टी स्कैन के साथ ट्राई फेजिक सी टी स्कैन क्या होता है उसको मैं डिटेल आपको बताती हूँ सो ट्राई फेजिक जो लिवर स्कैन है डायनेमिक सीटी स्कैन भी हम इसको कहते हैं अब यह है कि जो है ना जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है इसमें ना फोर आपको नज़र आ रहे हैं अब ये जो है स्कैंस हैं ना दरअसल ये फोर स्कैंस लिए हुए हैं सी टी ऑफ द लिवर और डिफरेंट स्टेजेस पर लिए गए हुए हैं ठीक है उसमें से ये जो जब हमने एक डाई इन्जर्ट करना होता है डाई इन्जर्ट करने से पहले ना हम जो स्कैन लेते हैं फ़र्स्ट स्कैन वो ये है फिर हम जो डाई इंजर्ट करेंगे उसके थर्टी सेकेंड्स बाद जो हम स्कैन लेंगे वो हमारे पास ये वाला दिखाया हुआ है और फिर हम ना सिक्सटी फाइव सेकेंड्स के बाद थर्टी सेकेंड्स के बाद है ये और ये सिक्सटी फाइव सेकेंड्स के बाद है सो so, ये वाला स्कैन हमने सिक्सटी फाइव सेकेंड्स के बाद लिया हुआ है आफ्टर इन्जर्टिंग द डाई और उसके बाद फिर हम एक स्कैन लेते हैं पाँच मिनट बाद पाँच मिनट बाद ठीक है तो ये फोर्थ स्कैन है मतलब ये कि ना क्या हमने किया एक हमने डाई इंसर्ट किया है सीटी स्कैन करने से पहले डाई इन्जर्ट करने से पहले हमने एक स्कैन ले लिया फिर हमने डाई थर्टी सेकेंड्स आफ्टर इंसर्टिंग द डाई हमने स्कैन ले लिया फिर हमने सिक्सटी फाइव सेकेंड्स के बाद स्कैन ले लिया और फिर हमने पाँच मिनट बाद स्कैन ले लिया ज़्यादातर हम तीन दफ़ा ही स्कैन लेते हैं इस वजह से हम इसको ट्राई फेजिक कहते हैं या डायनेमिक कहते हैं लेकिन कभी कभार हम फोर्थ वाला भी स्कैन ले लेते हैं ठीक है तो अब आपको क्या चेंजेस कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं ये जो स्कैनस हमने चार स्कैन्स लिए हैं सिर्फ एक स्कैन नहीं लिया कुछ चेंजेस आपको नजर आ रही हैं ये देखें ये वाला जो आपको ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था फर्स्ट स्कैन में नहीं और यहाँ पे थर्ड स्कैन में देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नहीं वो गायब हो गया और यहाँ पे ये जो है फोर्थ स्कैन के ऊपर आपको विजिबल हुआ हुआ है ये एक्चुअली चीज़ होती है ठीक है तो अब होता क्या है अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ अब जो फ़र्स्ट स्कैन है जो हमने डाई इन्जर्ट करने से पहले लिया था दैट वो प्री कंट्रास्ट स्कैन आपको क्या लगता है कि फ़र्स्ट स्कैन हम क्यों ले रहे हैं ताकि कंपैरिजन किया जा सके ठीक है कि बिल्कुल साफ सुथरा है वहाँ पे कुछ भी नहीं है सेकंड स्कैन जो है ये एक्चुअली डाई इन्जर्ट करने के तीस सेकेंड बाद लिया जाता है क्यों क्योंकि इस दौरान जो हमारी डाई होती है ना वो हमारी हेपैटिक आर्ट्री में एओटा हेपैटिक आर्ट्री में एंटर हो जाता है तो दिस वन स्कैन ये जो आर्टीरियल आपको दिखाया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारी डाई है ना वो हेपेटिक आर्टरी में चले गई है अब जो हेपेटिक आर्टरी जिस जिस एरिया को सप्लाई करेगी ना वो एरिया हमें ब्राइट नज़र आएगा इस वजह से ये जो आपको मास ये नज़र आ रहा है ये जो वाइट कलर का इसको इसको सप्लाई करिए हेपेटिक आर्टरी क्योंकि हमारी डाई जो है वो हेपेटिक आर्टरी में है तो ये वाला जो हमें मास है ये हमें ब्राइट नज़र आ रहा है इसका मतलब ये जो मैथ है ना इसको हपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रही है ठीक है लेकिन जो थर्ड स्कैन है जिसको पोर्टल वीनस आपको दिखाया हुआ है इसका मतलब जो हमारा डाई है ना वो हमारे वीनस सिस्टम में एंटर हो गया लाइक इन्फीरियर वैना कहवा पोर्टल वेन में एंटर हो चुका है सिक्सटी फाइव सेकेंड्स के बाद हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब ये कि ये जो मैथ है ना इसको हपैटिक इसको पोर्टल वेन सप्लाई नहीं कर रही ठीक है इसको हम वीनस वॉश आउट फेज भी कहते हैं और फिर पाँच मिनट बाद जो हम लेते हैं उसको हम वीनस या डिलेड वीनस या इक्विलिब्रियम फ़ेस स्कैन कहते हैं और कभी कभार हम ये फ़ोर्थ स्कैन भी ले लेते हैं लेकिन ज़्यादातर जो हमारे स्कैन होते हैं वो तीन होते हैं ठीक है अब हमें ये आपको समझ आ गई ना कि तीन स्कैनस हमने लिए फर्स्ट स्कैन में अभी कोई डा एंटर नहीं हुआ किसी भी जगह पे बिफोर इंजेक्टिंग डा डाई में लिया तीस सेकेंड के बाद जो सेकेंड स्टैंड स्कैन गया उसमें आर्टरी में हमारा डाया गया और जिस जिस एरिया को हाँ, आर्टरी सप्लाई कर रही थी वो ब्राइट हो गया तो देट इज़ आरटीरियल इन्हेंसमेंट अब क्या है सिक्सटी फाइव सेकेंड्स के बाद जो बीनस सिस्टम में हमारा डाया चला गया तो अब जो है वो वाले एरियाज़ विजुलाइज़ होने चाहिए जिनको बीनस सप्लाई जा रही है लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हावेटोसल कार्सिनोमा है इसको हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है इस वजह से ये विज़ुअल नहीं हुआ विनेस वॉश आउट फेस कहते हैं इसको ठीक है और उसके बाद जो पाँच मिनट बाद लिया हमने स्कैन वो आपको नज़र आ रहा है तो ये डिटेल है इसकी अब यहाँ पे ये जो ये चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी है फ़ेज़ वन फेज़ टू फेज़ थ्री ठीक है अब ट्राई फेजिक स्कैन जो है ये डिफ्रेंशिएट करता है क्या हमारे काम होता है मतलब हम क्यों ले रहे हैं ट्राई फेजिक स्कैन तो ये रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है कि बिनाइन जो बिनाइन जो कैंसर्स होते हैं ना बिनाइन ट्यूमर्स हमने भी डिस्कस किए हैं वो फेज़ वन के अंदर हमें ब्लैक नज़र आते हैं और फेज़ थ्री में ना हमें वाइट नज़र आते हैं इसका मतलब कि जो हमारे बिनाइन ट्यूमर्स हैं ना लाइक जो है हिमांजियोमा उसको कौन सप्लाई करता है पोर्टल बेन सप्लाई करती है इस वजह से वो फेज़ थ्री के अंदर जब वीनस फेज़ होता है जब डाई वीनस सिस्टम में एंटर करती है इस वजह से वो हमें ब्राइट नज़र आता है ठीक है और जो मैनेग्नेंट ट्यूमर्स होते ना, हैं नापेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटोमा जिसको हम कहते हैं उसमें फेज़ वन में हमें वो चीज़ जो है वाइट नज़र आती है जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखी है और फेज़ थ्री में हमें ब्लैक नज़र आती है क्यों क्योंकि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जो ट्यूमर होता है उसको हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है तो जब हमारा डाई हेपेटिक आर्टरी में जाएगा तो वो एरिया हमें ब्राइट नज़र आएगा समझ आ गई इसकी तो बुक में भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी ये डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है इससे रिलेटेड तो सेम चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं ठीक है इसको आप रीड कर लें सो इन्वेस्टिगेशन्स हो गई हमारी है पैटोसेलुलर कार्चिनोमा की अब हम इसका करते हैं ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आपको एक पग स्कोर बताऊँगी इसका तो वो हमारा होता है इम्पोर्टेंट ये एक्चुअली हमारा जो है पग स्कोर होता है इसके लिए इसमें ये पांच चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, हैं लेवर की इनसेफेलोपैथी एसाइटिस बिलीरोबिन एलब्यूमिन प्रोथ्राम टाइम ठीक है फिर हम उसकी बेसिस पे ना ग्रेड देते हैं अगर इनसे पैथी जो है वो ग्रेड वो नहीं है तो फिर ग्रेड ज़ीरो देंगे अगर जो है मतलब वो उसका ग्रेड होता है ग्रेड ज़ीरो ग्रेड वन और टू ग्रेड थ्री और फोर एस में क्या है एस अगर नहीं है तो ग्रेड वन अगर जो है माइल्ड टू मॉडरेट एस है तो ग्रेड टू और अगर स्वियर एस है तो ग्रेड थ्री फिर क्या है बिली रूबिन बिली रूबिन अगर टू से कम है तो हमारा होगा ग्रेड वन अगर टू टू थ्री है तो ग्रेड टू अगर थ्री से ज़्यादा है तो ग्रेड थ्री फिर एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन अगर थ्री पॉइंट फाइव से ज़्यादा है तो ग्रेड वन टू पॉइंट एट से थ्री पॉइंट फाइव तक है तो ग्रेड टू और अगर टू पॉइंट एट से भी कम है तो ग्रेड थ्री फिर हमारा आता है प्रोथ्रामिन टाइम अगर लेस देन फोर है तो ग्रेड वन फोर टू सिक्स है मतलब प्रोलॉन्ग होता जाएगा ना लिवर डिजीज़ खराब होने की वजह से ज़्यादा तो फोर टू सिक्स और अगर सिक्स से भी ज़्यादा है तो मीन्स के ग्रेड थ्री ठीक है फिर हम क्या करते हैं कि आ, हम जो है पॉइंट्स देते हैं अगर तो माइल्ड वेल कॉम्पनसेटिड डिजीज़ है तो फाइव टू सिक्स पॉइंट्स अगर जो है मॉडरेट सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज है तो सेवन टू नाइन इसका देंगे स्कोर और अगर टेन टू फिफ्टीन पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब स्वीर डी डिज़ीज़ है तो इससे हमें जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि लिवर की डिज़ीज़ कितनी ख़राब है ठीक है ओके okay. अब हम देखते हैं थेरेपीज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ तो पेटोसलोर कार्सिनोमा तो इसमें वी है थ्री ऑप्शंस या तो हम सर्जरी कर सकते हैं या फिर हम लोकली जो है कुछ अब्लेशन थेरेपी कर सकते हैं या हम स्टामिक थेरेपी कर सकते हैं सर्जरी में वी हैव टू ऑप्शनस के या तो हम लिवर को रिसेक्ट कर दें मतलब जहाँ पर ट्यूमर है उस पार्ट ऑफ द लिवर को हम डिस्ट्रैक्ट कर दें या हम पूरे का पूरा लिवर जो है उसको चेंज कर दें ट्रांसप्लांट कर दें और फिर क्या होता है लोकल एब्रेशन थेरेपी में वी हैव थ्री ऑप्शनस या तो हम परक्यूटेनियस इथानोल इंजेक्शन दे उस ट्यूमर को ख़त्म कर दें नेक्रोसिस करवा दें उस ट्यूमर की या रेडियो फ्रिक्वेंसी इब्लेशन के थ्रू ट्यूमर को ख़त्म कर दें या ट्रांस आर्टीरियल एम्बुलाइजेशन कर दें तो दिस इज लोकल अब्लेशन थेरेपी देन सिस्टामिक थेरेपी सिस्टेमिक थेरेपी में हम क्या देते हैं कुछ मॉलिकुलर थेरेपी देते हैं सोराफेनब और सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो सर्जरी रिसेक्शन ऑफ लीवर जो है ये हम कब करते हैं अब इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो लिवर है वो सरहासिस के साथ है या सिरहसिस के बग़ैर है तो आपके नज़दीक क्या होना चाहिए अगर लीवर सरहासिस के बग़ैर है तो क्या हमें लीवर रिसेक्ट करना चाहिए लिवर सरहॉसिस हो चुका है तो लिवर रिसेक्ट करना चाहिए मतलब उसका पार्ट अगर अगर लिवर सिरहसिज़ नहीं हुआ लिवर जो है वो पूरा 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 का पूरा ख़राब नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए लिवर सेक्शन कि उस पार्ट को हम रिमूव कर दें लेकिन अगर लिवर सेरहॉसिस हो गई है मतलब अब लिवर का पूरा का पूरा ख़राब हो गया तो ऑब्वियसली उस केस में हम लिवर का थोड़ा सा पार्ट भी रिमूव कर दें तो बाकी का पार्ट तो खराब है ना तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करते हैं ठीक है तो लिवर की हम रिसेक्शन कब करते हैं जब सरहॉसिस जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे है फिर हम कर सकते हैं ऑब्वियसली जैसे हमने बुक स्टोर किया स्कोर किया उसमें ए अगर हमारा आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि अगर सरहॉस अभी शुरू में है ना तो उसमें हम क्या करेंगे हम लिवर रिसेक्शन कर देंगे अभी पोर्टल हाइपरटेंशन की कोई एविडेंस नहीं आई लाइक साइटिस सिमेटमेसिस मेलना थ्रोबोसाइटोपिनिया सब कुछ नहीं हुआ ना तो हम क्या कर सकते हैं लिवर सेक्शन फिर क्या है अगर छोटा सा ट्यूमर है पेरीफ्रल पोर्शन ऑफ द लिवर में तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं लिवर सेक्शन कर सकते हैं और अगर हमारा जो है हेपैटिक वीनस प्रेशर जो है माइल्डली एलिवेटेड है तो फिर हम क्या कर सकते हैं लिवर सेक्शन मतलब सोचने वाली बातें हैं ना देखें हमने लिवर का एक पार्ट रिमूव करना है तो हम पार्ट कब रिमूव करेंगे अभी डिजीज़ इतनी प्रोग्रेस जब नहीं की होगी सिर्फ हॉसिस अर्ली स्टेज पे होगी पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस नहीं आए होंगे स्मॉल ट्यूमर होगा छोटा सा ट्यूमर होगा तो हम उस पार्ट को रिमूव कर देंगे हेपेटिक जो विनस प्रेशर है वो माइल्डली एंड नॉर्मल है ठीक है तो उसमें है अगर हमारा जो है ये सारे आ, मतलब अगर ये इस केस में हम लिवर का पार्ट रिमूव कर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा लिवर सिर्फ हौस हो गया सिर हौस हो गया होगा लेकिन वो जो है मेटास्टेसिस नहीं हुई होगी मेटास्टेसिस नहीं हुई होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे लिवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे ठीक है तो इसमें वी हैव के हमारा जो क्राइटेरिया है ना उसके मुताबिक हम करते हैं कि सॉलिट्री लीजन है रिसेक्शन कब करेंगे सॉलिटरी लीजन है लेस दैन सिक्स पॉइंट फाइव तीन नोड्यूल है और तीनों जो नोड्यूल है ना या तो एक ही नोड्यूल है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर से छोटा या फिर तीन नोड्यूल है और उनके साइज़ क्या है फ़ोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और उनका सम क्या है एट सेंटीमीटर और वेस्कुलर इन्वेजन नहीं हुई कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज़ नहीं हुई तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं रिसेक्शन कर सकते हैं ठीक है या तो सोलेट्री लीजन है या सिक्स पॉइंट फाइव से छोटी या तीन है और तीनों जो हैं फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर से छोटे हैं वेस्कुलर इन्वेजन नहीं हुई अभी तक वो कहीं और स्प्रेड नहीं किया तो उस केस में हम रिसेक्शन कर सकते हैं ये और हमारे ऑप्शन आ जाते हैं अब आपको समझ आ गई सर्जरी में हमने कब करनी है uh, और कब करती है ट्रांसप्लांटेशन नेक्स्ट इज़ कि हम ले लोकल अब्लेशन थेरेपी करें परक्यूटेनियस जो है जाके इथेनॉल का इंजेक्शन लगा दें उस ट्यूमर के ऊपर और ट्यूमर की ने हो गए अल्ट्रासाउंड हमने ऊपर रखा होता है और इथेनॉल का इंजेक्शन इंसर्ट कर देते हैं ट्यूमर की नॉसेज हो जाती है सिंपली लेकिन ऑब्वियसली हम तब इंजेक्शन लगा सकते हैं जब हमारा ट्यूमर जो है वो छोटा है टू टू थ्री सेंटीमीटर्स का है फिर क्या है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्बेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन में हम सी या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू जो है थर्मल वेव्स के थ्रू उस ट्यूमर को ख़त्म करते हैं दिस इज रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन टेक्निक देन इज़ ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बलाइजेशन इसमें हम क्या करेंगे ऑब्वियसली एक हमारे पास कीमो ड्रग होगी थेरेप्यूटिक तो एजेंट होगा डॉक्सो उसको जो है हम फैमरल आर्टरी के थ्रू डालेंगे और वो हमारा हेपेटिक आर्टरी में जाके उस ट्यूमर की जो ब्लड सप्लाई होगी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो ट्यूमर मर जाएगा फिर सिस्टेमिक थेरेपी ऑब्वियसली मैंने उसमें बता दिया कि उसमें हम जो है वो सोराफेनब यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली एक मोलिकुलर थेरेपी होती है या सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं इन केस के जब पैलिएटिव ट्रीटमेंट हमने करना हो क्योंकि ट्यूमर अब पूरी बॉडी में फैल गया है या मेटास्टेसिस उसकी हो गई है सो लोकल ऑब्रेशन थेरेपीज़ भी हो गई थेरेपीज भी होंगी इसमें से जो है ये वाला देखें अल्ट्रासाउंड हमने रखा हुआ है और हम जो है वो इन्जर्ट इंज, करें इंजेक्शन लगा रहे हैं इथेनॉल का जो कि हमारा ट्यूमर है लेस दैन टू सेंटीमीटर्स ठीक है तो ये हमारा हो गया इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके दो जो हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेन टेक्निक और ट्रांस ट्रांसार्टीरियल एम्बुलजेशन इसकी जो वीडियो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूं और वो आप देख लीजिए कि उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है और बाकी यह कि अगर आपसे कोई मैनेजमेंट हेपेटोसलर कार्सिनोमा की पूछे ना तो आपने ये बताना है सर्जरी में दो ऑप्शंस हैं रिसेक्शन ट्रांसप्लांटेशन कब करना है वो आपने बता देना है लोकल एब्लेशन तारीफ में तीन बताने इथेनॉल रेडियो ब्लेशन और ट्रांस आर्टिडियल इंबुलइजेशन फिर तीन क्या है तीसरा क्या है थेरेपी जिसमें हमारे पास सोलह फैनब है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हैपेटोसेलुलर कारसिनोमा